नंगल च सिविल हस्पताल के उद्घाटन तो पहला हस्पताल चलाने लई स्थाई स्टाफ का प्रबंध न किए जाने के विरोध च कांग्रेस ने पंजाब सरकार और प्रशासन खिलाफ हस्पताल के बाहर रोस प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन दौरान पुलिस ने उन्होंने हस्पताल पुजन तो पहला ही रस्ते रोक लिया और कांग्रेसी वर्करा ने उत्थे ही प्रदर्शन शुरू कर दिता। इस प्रदर्शन दौरान पुलिस ने सबका विधायक के पी राणा समेत सैकड़े कांग्रेसी वर्करा गिरफ्तार कर आनंदपुर साहब के पुलिस स्टेशन नज़रबंद कर दिता। बहुत वड्डा धोखा नंगल दे लोकां नाल मदन मोहन मित्तल ते और ओ नंगल दा सिविल हस्पताल जिहदा ठेका सी 5,48,00,000 च बनाउण दा दित्ता सी, इन्हां ने 9 करोड़ रुपया नंगल दी कमेटी दा उहदे ते लाता। बहुत वड्डा घपला उस कमेटी दे विच होया, बहुत वड्डा पैसा इन्हां ने खुरद बुरद कीता और जदों हुण बण के तैयार हो गया कैप्टन अमरिंदर सिंह दा फाउंडेशन स्टोन पासे करता। इस तों इलावा बिना किसे पोस्टिंग दे, बिना पोस्टा क्रिएट करन दे नंगल हस्पताल दे विच सिविल हस्पताल आनंदपुर साहब दे डाक्टरां दी उत्थे ड्यूटी लाती। असी कहने आ कि नंगल दा हस्पताल आरजी ड्यूटी दे लाए ते चलना नहीं, पर आनंदपुर साहब दा जिहड़ा सिविल हस्पताल है ओह जरूर बंद हो जाएगा। ढेर दी डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी, सहजवाल दी डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी, कानपुर खूई दी डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी, राजनगर दी डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी, जिथे दे तमाम डाक्टरां नूं हफ्ते विचो 3 दिन नंगल ड्यूटी लाती और तमाम डाक्टर आरजी तौर ते लाए है। असी कहने आ असी हरगिज नहीं होण देना, 10 लाख ए जो चाहणो करन, सानू जेल च भेजण, किसे हवाला च भेजण, पर आ धोखाधड़ी मित्तल दी असी नंगल दे लोकां नाल होण नहीं देनी। इस सब दे चलदिआं हस्पताल दा उद्घाटन भी दित्ते गए समय तो पहला ही कर दिता गया। कांग्रेसी आगुआं ने भाजपा के कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ते दोष लाया कि हस्पताल खुलण नाल नंगल उपमंडल च स्वास्थ सेवावां बुरी तरह प्रभावित हो जाणगीआं, क्योंकि हस्पताल च तैनात किया जा रहा स्टाफ विशेष रूप नाल नहीं बल्कि उपमंडल के वख वख हस्पतालां अते डिस्पेंसरियां तो अस्थाई तौर पर लिआंदा गया है। उधर पुलिस इस मामले च कुछ भी बोलन तो बच रही है। नंगल तो सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, 5 आप टुडे।